Hello guys, welcome to my YouTube study channel. Hope you all are well. Let's have a look what we have studied in chapter 4 of 12th class. First of all, we were studying about the Oersted experiment. Then we have studied the magnetic force acting on a charged particle moving in uniform magnetic field, Boyer-Servet law, and then the magnetic field due to straight current carrying conductor. And after that, we have studied the magnetic field at the center of circular current carrying coil. Our today's topic is magnetic field at the axial line of current carrying circular coil. जैसा आपको पता है कि coil जो है देखने में कुछ इस shape की होती है, ठीक है? और इसके एक्सियल लाइन से हमारा मतलब है द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो ये इसका एक्सिस एक्सियल लाइन होगी जिसपे हम बात कर रहे हैं. इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट हम चूज करेंगे जहां पे हमारा मकसद है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना. फिगर में जैसे आपको नजर आ रहा है पी पॉइंट, मैंने एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी ले लिया, वो यहां क्लोज भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, बट हमने वो पॉइंट कंसीडर किया है एक्सियल लाइन के ऊपर. सो ये जो करंट कैरिंग कॉइल होगा, इस करंट कैरिंग कॉइल के एक्सियल लाइन के ऊपर अपना मकसद है आज मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, जिसका फिगर आप देख पा रहे हो. लेट्स सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमने आई कंसिडर किया है, ओके? और मैंने इसके ऊपर एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया आइडियल. इस आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पी पॉइंट के ऊपर वो बनेगा डीबी. अब इसकी डायरेक्शन जो है इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है. ये क्यों है ये मैं क्लियर कर देता हूं. आपका जो रिंग है वो कुछ ऐसे है और जो इस करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है वो करंट एलिमेंट कुछ यहां है, ठीक है? करंट एलिमेंट इस रिंग के साथ में ऐसे है, परपेंडिकुलर है, इस टाइप में है. ये रिंग है तो ये रिंग हमारा वर्क ऐसे रखा है, इस पे ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है? मतलब ऐसे होगी. अब ये रिंग मैंने ऐसे रखा तो इसमें करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है और इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा. और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट से ये लाइन, यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो देख रहे हो तो यहां टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो ये डीबी होगा. अब डीबी और ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन का मतलब है जो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए और ये आर, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये रेडियस है इसके लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस डीबी के साथ जो इसके साथ टेंजेंट है इसके साथ होगा 90 डिग्री. तो मैंने यही कहा है कि इसके साथ ये 90 डिग्री पे होगा. तो अब बात करते हैं, ऐसे ही हमारे पास में ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू बॉयर सर्विट लॉ मैग्नेटिक फील्ड कितना देता होगा बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है? वो मैंने लिख भी रखा है अकॉर्डिंग टू बॉयर सर्विट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट एम दैट विल बी इक्वल्स टू डी बी एज वी स्टडीड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर हमारे पास में यहां पर ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये टर्म बचेगी क्योंकि अंडर रूट में है और यहां टर्म हमारी आती है स्क्वायर में नीचे, उसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके? अब देखिए ये 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री मैंने क्यों लिया है ये अब आपको मैं समझाता हूं. एक्चुअल में ये एंगल किस किस के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू बॉयर सर्विट ला, अगर ये करंट फ्लो कर रहा है, ये आर पोजीशन है और ये करंट एलिमेंट आइडियल, इनके बीच हमने थीटा एंगल लिया था. तो हमारा करंट एलिमेंट जैसे आप देख पा रहे हो ये वो करंट कैरिंग कॉइल है, इस करंट कैरिंग कॉइल के ये हमारा आइडियल करंट एलिमेंट हो गया, ये करंट एलिमेंट हो गया. और जो अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर है क्योंकि यही डिस्टेंस है इससे पी पॉइंट से, ये डिस्टेंस है आर की जगह पे ये है हमारा, तो ये जो है हमारे करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा ये कुछ ऐसे है
हाइपोटन्यूज अगर आप देख पा रहे हो, और इसको यहां से देखोगे तो करंट एलिमेंट और हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसी तरीके से अब ये वैल्यू आपको पता चल गया कितना आएगा, साइन 91 होता है। सो इन दिस वे डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट एन, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हमने लिया है इस करंट कैरिंग कॉइल के, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट एन पॉइंट, अब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू डीबी डैश लेट्स सपोज एंड विच इज अगेन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बनेगा सेम उस पॉइंट पे, क्योंकि ये वैल्यू भी आपको पता है कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है। इस तरीके से ये इक्वेशन सेकंड हुई। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू या कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, देन डीबी का जो मैग्नीट्यूड है वो डीबी डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जैसा हमें पता चल रहा है, ठीक है। ये दोनों मैग्नीट्यूड जो है एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमें क्यों इक्वल है, बट इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी डायरेक्शन ये है कुछ, इसकी डायरेक्शन ये कुछ बन रही है, ठीक है। और जो डीबी बनना है, इस डीबी के कंपोनेंट्स को रिजोल्व करें तो ये बनेगा जिसके साथ एंगल, ये फाई एंगल लिया तो ये भी फाई है, क्यों फाई है ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको पता है कि मैंने इसके साथ में एंगल कितना बताया, इस साइड के साथ में, ये रेडियस वेक्टर है उस जो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्किल्स में बनेगी इसकी, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो इनके बीच में एंगल कितना बनाया था 90 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल, ये और ये दोनों का सम कितना है 90, और ये भी 90 है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, इसके साथ, इस एक्सिस के साथ, तो ये प्लस ये भी 90, ये कॉमन हुआ, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हुआ, सिमिलरली यहां पे है। सो डीबी का कंपोनेंट जिसके साथ फाई एंगल है डीबी कॉस फाई, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा डीबी साइन फाई, सिमिलरली डीबी डैश कॉस ऑफ फाई एंड डीबी डैश साइन ऑफ फाई। बट एज यू नो डीबी एंड डीबी डैश मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सो इनका जो इफेक्ट है विल गेट कैंसिल, ठीक है। जो जितने भी करंट कैरिंग एलिमेंट इसमें बना सकते हैं सबके जो डीबी कॉस फाई फंक्शन है, डीबी कॉस फाई कंपोनेंट्स हैं, दे विल कैंसिल देयर इफेक्ट्स। ओके, तो ऐसे हम टोटल मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कौन सा फैक्टर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लाइन के अलोंग लग रहा है वही आएगा। सो इन दिस वे मैं डायरेक्ट यहां पे ये लिख सकता हूं, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, डीबी डैश एंड डीबी सेम ही है, और मैंने इसको इंटीग्रेशन क्यों लिया है ये आप समझ सकते हो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, डीबी साइन फाई डीबी डैश साइन फाई इनको एड कर दिया, टू डीबी साइन फाई, टू नहीं बनेंगे ये कंपोनेंट, कितने बन सकते हैं आइडियल कंपोनेंट, तो यहां पे आपने यहां और यहां कंसीडर किया तो यहां और यहां भी हो सकते हैं, यहां और यहां हो सकते हैं, बहुत सारे बनेंगे, और सबके जो डीबी साइन फाई फंक्शन है वो यहां पे ही आएंगे, ठीक है। उन सारे कंपोनेंट का ही इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं डीबी साइन फाई। ओके, अब बात आती है जो साइन फाई है वो साइन फाई कहां से निकाले, साइन फाई आप निकाल सकते हो जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखिए जो ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के अंदर साइन फाई की वैल्यू देखिए कितनी है, साइन फाइव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए और हाइपोटन्यूज है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1/2,
वन बाय टू, अंडर रूट को वन बाय टू लिख सकते हैं, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू आपको पता चल गई, डीबी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इक्वेशन वन में से उठा लो या इक्वेशन टू में से, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीबी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडियल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटू हमारे पास साइन फाइव, साइन फाइव की वैल्यू है ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर वन बाय टू, ये आ गया। और इसको इंटीग्रेट अगर हम करेंगे, उससे पहले हमारे जो भी कॉन्स्टेंट कंपोनेंट्स है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, म्यू नॉट आई और ए डिवाइडेड बाय ए कॉन्स्टेंट है, ये रेडियस है फोर पाई, और एक देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर यहां वन है और यहां पे वन बाय टू है, टोटल कितनी हो जाएगी थ्री बाय टू। सो वी कैन से दैट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर थ्री बाय टू। इंटीग्रेशन साइन के अंदर सिर्फ रह जाएगा डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन डीएल डीएल कंपोनेंट को ऐड करते चले जाओगे तो पूरे रिंग की क्या आ जाएगी सर्क्यूमफेरेंस, और विच इज टू पाई ए। सो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास जो फैक्टर आ गया वो है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर थ्री बाय टू, और यहां एक एडिशनल फैक्टर हमारे पास आ गया वो है टू पाई ए। ओके, अब देखिए टू पाई से आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर थ्री बाय टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप इस टू पाई से इस फोर पाई को कैंसिल कर देते हो, टू पे कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं करते तो क्या बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने उतार लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डियर स्टूडेंट, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम यहां पे 9 से 12 तक के जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे, और आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद ये भी रखता हूं कि अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आता है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आपके जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उन पे भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलो जी, और जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, अपने 12th क्लास के हैं या जो भी क्लास के हैं, तो पीछे के जो लेक्चर आप देखोगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज, उन लिंक से आप जाकर के प्लेलिस्ट खोल सकते हो, आपको सारे कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे। यस, तो हम यहां पहुंचे थे। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी उसको समझते हैं क्या क्या आएगी। हां जी, ये फॉर्मूला मैंने इसको अगर टू पाई को फोर पाई से कैंसिल कर देते हैं तो ये निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं कैंसिल करते हैं तो ये क्या बनेगा देखिए, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और ये आई इंटू देखिए ए इंटू ए, ए स्क्वायर बन रहा है तो यहां पे टू आई और ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर थ्री बाय टू। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो ये फंक्शन है पाई ए स्क्वायर, ए इसकी रेडियस है, इस रिंग का एरिया है ये, सो बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई twice of I into A, where A is the pi A square area of coil, coil का area है ये, ठीक है, divided by R square plus A square raised to the power 3 by 2, ये बन गया। अगर यहां पे n number of turns हो, ये टर्न्स मैंने एक लिया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो यहां पे भी एन आ जाएगा एक एक्स्ट्रा,
ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एन आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ओके, अब यहां पे एक और टर्म आती है और वो टर्म है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल स्टडी किया था वैसे यहां मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है वो भी समझ लीजिए पहले, फिर हम नेक्स्ट समझेंगे। जैसे हमारे पास में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, आई इंटू ए होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन आई ए हम लिखेंगे। अब इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों बोलते हैं इसकी भी मैं वजह बता देता हूं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ये क्लियर रहे। इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों बोल रहे हैं, जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, लेट्स सपोज इसमें अभी आपको लगता है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये जो आपका पोल बनेगा आपकी तरफ यानी हमारे तरफ जो पोल बन रहा है वो साउथ पोल बनेगा, और इस रिंग के ठीक अपोजिट साइड में जो बनेगा वो नॉर्थ पोल बनेगा। जैसे मान लिया कि ये कॉइल है, इस कॉइल को अगर हम देखें आपकी तरफ से ये क्लॉकवाइज है लेकिन मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बन रहा है, मेरी तरफ से नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है और उस मैग्नेटिक डायपोल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो करंट इंटू इट्स एरिया, करंट इंटू एरिया फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स एन आई ए। सो यहां पे भी एक टर्म आ रही है ऐसी ही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा डायपोल मोमेंट के केस में, ठीक है। अब देखिए, अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं। जो अभी आपने ये निकाली थी टर्म, इसी टर्म को समझते हैं। अगर ये जो पॉइंट है पी एक्सियल लाइन पे सेंटर पे होता तो हमने सेंटर पे निकाला हुआ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर, आर क्या था रेडियस था, यहां पे रेडियस है ए। तो अगर हम इसके सेंटर पॉइंट पे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड तो वो कितना आना चाहिए, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a। तो चलो चेक करते हैं सच में इतना ही आता है या नहीं। अब देखिए, जैसे ही जैसे हम इस P पॉइंट को इधर ले आएंगे R की वैल्यू रीडिंग होगी जीरो हो जाएगी और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, म्यू नॉट टू पाई से इस फोर पाई को कैंसिल करेंगे टू पे, तो ऊपर सिर्फ टर्म बच जाएगी हमारे पास आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर यहां पे कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये स्पेशल केस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर पे, दैट इज आर इज इक्वल्स टू जीरो। आर अगर जीरो करोगे तो ए की पावर ए स्क्वायर इंटू 3/2, टू से टू कैंसिल तो ए की पावर 3 हो जाएगी यहां पे, सिंपली मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए रेज टू द पावर 3 और ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई हमारे पास बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और यही हमने कैलकुलेट भी किया था, याद होगा आपको, मैंने अभी बताया था ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट अगर आप कंसीडर करो, जैसे जैसे यहां पे आपने नोटिस किया जैसे जैसे इस आर की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू ए, तो ए को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उस तरीके से रख सकते हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सर्कुलर कॉयल, करंट कैरिंग कॉयल एट इट्स एक्सियल लाइन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, और जो भी मेरे लेक्चर हैं उसको कंटिन्यूसली देखते रहिए। चैप्टर नंबर 4 का ये मेरे ख्याल से फोर्थ लेक्चर है,
जैसे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखिए अच्छे से। उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर करोगे। ओके, थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।